गुड न्यूज टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th है आपका सपना एक कामयाब इंजीनियर और सफल डॉक्टर बनने का। कहते हैं जोश और जुनून को अगर सही दिशा का सहारा मिल जाए तो लक्ष्य प्राप्ति में कभी भी विलंब नहीं होता। आपका लक्ष्य निश्चय ही IIT JEE AIEEE AIPMT एम्स AFMC UP सीट फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल का है। तो एक विषय निश्चित ही आपके ख्यालों में हर पल रहता है, केमिस्ट्री की तैयारी कैसे बेहतर ढंग से की जाए ताकि सफलता कदमों तले हो। अनुमानता केमिस्ट्री विद्यार्थी बोरिंग मानते हैं। संगम की नगरी इलाहाबाद में एक ऐसी संस्था जहां केमिस्ट्री अपनी सभी जटिलताओं को छोड़ते हुए संगम सी सरलता अपना लेती है। संगम रूपी केमिस्ट्री के फिजिकल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की जटिलताओं को सरलता में परिवर्तित करने का दम इलाहाबाद की नगरी में आमंत्रित करता है आपको सिर्फ और सिर्फ CP शर्मा क्लासेस में बाय डॉक्टर CP शर्मा फॉर 11th प्लस IIT JEE AIEEE AIPMT PMT and PET and 12th plus IIT JEE AIEEE AIPMT PMT and PET 172 Tagore Town, Allahabad. Phone number 0532-2466-970. Mobile number 0941-535-1042. Dr. CP Sharma. एक शख्सियत जिनसे केमिस्ट्री पढ़ना विद्यार्थियों के लिए वह सुखद अनुभव जिसके सहारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना विद्यार्थियों के लिए एक आसान सा खेल बन जाता है। हमसे पूछने की जरूरत नहीं, स्वयं देखिए। डॉक्टर CP शर्मा सर के यहां एक बैच में पढ़ रहे इन विद्यार्थियों की संख्या ही इनकी प्रसिद्धि उपयोगिता और विश्वसनीयता की कहानी कहती है। प्रसिद्धि उपयोगिता और विश्वसनीयता के ये प्रमाण पत्र डॉक्टर CP शर्मा को सांप सीढ़ी और लूडो के खेल में नहीं मिले। कड़ी मेहनत की तपिश में, अनुभव के प्रकाश में और लगनशीलता की देखरेख में डॉक्टर CP शर्मा ने अपने आप को विद्यार्थियों के लिए यूं समर्पित कर दिया है मानो कि उनका यह जीवन उन हीरो को तराशने के लिए है जो कि कोयले की खान में एक मामूली पत्थर की तरह है। पर डॉक्टर CP शर्मा सर की पारखी नजर ने उन पत्थरों को तराश कर बेशकीमती हीरो के रूप में अवतरित कर दिया है। डॉक्टर CP शर्मा सर का अनुभव इस राह पर यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि जो भी विद्यार्थी बनकर इनकी निगरानी में बस आ भर गया उसे सिलेक्शन एक गारंटी के रूप में मिला। केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री तीनों शाखाओं पर बराबर का कमांड और उनके पढ़ाने की विशिष्ट शैली पर बस ही विद्यार्थियों का ध्यान डॉक्टर CP शर्मा सर की तरफ खींच लेती है। आइए सुने क्या कहते हैं डॉक्टर CP शर्मा सर से पढ़ रहे ये विद्यार्थी। मैं राघविंद्र प्रताप सिंह, मैं मेडिकल तैयारी करता हूँ। जब मैं इंटर पास किया तो मेरा सपना था डॉक्टर बनना। आफ्टर इंटर जब मैं यहाँ इलाहाबाद में आया तो बहुत ऑप्शन थे केमिस्ट्री के, बट माय फादर इज़ टीचर, उन्होंने बताया कि वो केमिस्ट्री इज़ द बेस्ट, CP शर्मा सर क्या है। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ लगा कि जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और सपने मंत्र होता है वो सब CP शर्मा ने वो फ़र्क दिखा दिया मुझे, और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो जो ऐसा उन्होंने पढ़ाया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज़ द बेस्ट इलाहाबाद, उसका कोई ऑप्शन नहीं इलाहाबाद में। अब जो इलाहाबाद अभी तक नहीं हो पाया, जैसे एम्स का मैं अभी सेलेक्ट कोई नहीं हो पाया, वो कोई भी कर सकता है अगर वो CP शर्मा का सही से जितना वो पढ़ाते हैं अगर उसको 100% वो एब्जॉर्ब करे तो वो 100% अपना सिलेक्शन दे सकता है और कुछ अच्छा कर सकता है इलाहाबाद के लिए और अपने शहर के लिए। आई एम श्रोतामरा श्रीवास्तव एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। In times where Allahabad is experiencing a shortage of good, well-educated teachers, CP Sharma can be viewed as a good boon to all students who are preparing for medical and engineering examination. For me, he has been an inspiration for
all students. He can be viewed as a dedicated teacher who is very sincere in what he teaches, and he makes everything very clear to all the students. He makes sure that he is very laudable, very intellectual, and he makes sure that every student gets what he needs. I am Paru Garg and I am preparing for the entrance examination of engineering in the CP Sharma classes. And I think CP Sharma is the best teacher of chemistry in the Allahabad. Generally, students think that chemistry is a very boring subject, but I think chemistry is a very interesting subject and he make it interesting. And I think he is the best teacher in the all parts of chemistry, like organic chemistry, inorganic and the physical chemistry also. He uses very techniques for qualifying the entrance examination of medicals and engineering also. And he make very easy to all the parts of chemistry and learn everything very easy. CP Sharma sir is the best. CP Sharma sir is the very intelligent and very smart and my favorite teacher. If you want in career all is well, then we should join CP Sharma classes. CP Sharma sir is rocking. Chemistry is not mystery in CP Sharma classes. Dreams come true in CP Sharma classes. CP Sharma sir is a king of chemistry. In the universe of chemistry, CP Sharma is the best. 100% selection in competitive exam means the one and only CP Sharma classes. अगर आप केमिस्ट्री रखना चाहते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री समझने के लिए सिर्फ CP Sharma classes. डॉक्टर CP Sharma सर करियर की राह में विद्यार्थियों के लिए उस लाइट हाउस की तरह है, जहां विद्यार्थी अपने सिलेक्शन के भ्रम को डॉक्टर CP Sharma सर के ज्ञान के प्रकाश में धूमिल कर देता है. कहते हैं अच्छे से अच्छा पढ़ाया हुआ बेकार हो जाता है अगर उसे अच्छे से पूछा ना जाए. इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर डॉक्टर CP Sharma सर के यहाँ यूनिट वाइज, मंथ वाइज, हाफ ईयरली एंड एनुअली टेस्ट लिए जाते हैं. परीक्षा से पूर्व कई बार लिए गए टेस्ट विद्यार्थियों को तैयार कर देते हैं मुख्य परीक्षा के लिए. मुख्य परीक्षा से पूर्व लिए गए इन टेस्ट में शामिल होती है स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट. डॉक्टर CP Sharma सर का कहना कि जिस विद्यार्थी ने यह कला सीख ली उसे सिलेक्शन का भय नहीं होता, और जब भय खत्म हो जाता है तो विद्यार्थी सिर्फ सिलेक्शन नहीं पाता वरन अच्छी रैंक के द्वारा सिलेक्ट होकर टॉपर्स की श्रेणी में आ जाता है. आइए सुने क्या कहते हैं यहां से सिलेक्ट हो चुके विद्यार्थियों की कहानी, टॉपर्स की कहानी, उन्हीं की जुबानी. दिस इज अस्मिता शुक्ला. I'm a student of LLRM Medical College, Meerut, and I got admission in the college via CBSC PMT, and my AIR was 1048. So I'm here to tell something about CP Sharma sir and CP Sharma classes. I studied chemistry from sir in class 11th and class 12th, both the years, meaning I've studied chemistry from CP Sharma sir only. Until date, I haven't come across any other teacher who's better than sir. Still, in my MBBS course, I'm having a subject that's biochemistry, and still I miss that if sir would have been here teaching biochemistry as well, because biochemistry has got a lot of chemistry in it. And I don't suppose no one is as capable as sir who can teach chemistry so well. Asmita, is it easy to start the preparation from 11th? To get the admission, it is easy. It's not as such different about preparation. It's just the 11th course. You just have to do your subject properly. That's it. There's no special difference between preparation and your 11th course. It's all the same, and it only the board does matter. Nothing else. If a student is trying to prepare the subject from 11th, is it easy to get the admission? That's my question. Of course, it is. Of course, it's easy to get the admission if you are preparing it from 11th only, but you have to be thorough with everything then only. Because you have started your study from the foundation course. Yeah. This is Shruti Shukla. I am pursuing integrated postgraduate course from Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior, and I entered this college through AIEEE examination, and my state rank was 1518, and for this rank I give total credit to CP Sharma sir. His way of teaching was very, very good. He also entertained us in the class. Hello everyone, this is Jagriti Kesarwani. I am pursuing my BTech course from Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad,
I got admission in this college through AIEEE exam. My All India rank was 5568 and state rank was 464. A lot of credit to CP Sharma sir for my such a bright future. So the way he taught us in the class, I really miss those days, and still I remember how entertaining were all of them. Many of the students think chemistry is a very boring subject and all that, but because of his concepts, he made it all the basic things so clear that even now and throughout my life, I remember those things, and I'm very thankful to him. Sujita Singh, I'm studying in LLRM Medical College. My category rank was 196, and for this I'm very thankful to CP Sharma sir, because he made the chemistry boring subject as interesting. His way of teaching was so interesting that the boring subjects become so interesting that we like to study chemistry more and more. Hello everyone, this is Toyed Bhushan Mishra. I am a first year student at HBTI Kanpur. My branch is for electrical engineering. I got entrance into this college through UPTU. My state rank was 924. In past few years, there has been a shift towards the coaching culture in Allahabad. What really got suffered in this trend was quality education. But in this period, it was only CP Sharma sir who take care of the quality education also. I can't really forget his way of teaching, how he used to teach us. And he, according to me, is almost the best teacher of organic chemistry in Allahabad. And I really liked his approach, how he used to teach us. I am really thankful to him. My name is Chirag Srivastava. I am in ISM Dhanbad. I am mechanical engineering. I am doing B.Tech. And I got admission to ITJ, which is my All India rank 5,053. Sir's approach is completely different. He makes the subject interesting. He has a different way to do it. I heard that chemistry is very boring. Chemistry is obviously boring. But sir, who studies it, he makes it interesting. वह विद्यार्थी जो इस वक्त मैं सुन रहे हैं, अगर वो आईआईटी की प्रिपरेशन करना और केमिस्ट्री को चुनना हो तो केमिस्ट्री के लिए किस केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है आईआईटी में, मतलब उस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में आते हैं। और उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए? यहां पढ़ना सीपी शर्मा सर। थैंक यू। रत्नेश केसरी एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। एंड एज यू नो there is anyone behind success of any person. Same here, from the person who is behind me for success, that is CP Sharma for chemistry. He is the best teacher in Allahabad, and you can say in UP, he is the best teacher for the chemistry. And I always miss CP Sharma, his way of teaching, and he entertaining us during the teaching. And I always the student who is listening this video, I want to say to him, if you want to study chemistry, then please come to CP Sharma classes. Myself Ankur Pandey. I was studying in Institute of Engineering and Technology Lucknow. I got admission in this college through UPTU. My UPTU rank was 1655. I give all the credit to CP Sharma. I think his way of teaching is very nice. He makes the things very simpler, so it saves our time also, and it entertains in our class also. So I think CP Sharma, I always recommend other students to study chemistry in CP Sharma classes. मेरा नाम दिनेश कुमार बिंद है। मैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई इटावा से MBBS कर रहा हूँ। मैं इसका पूरा श्रेय सीपी शर्मा सर को देना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं के कुशल मार्गदर्शन की वजह से मैं CPMT 2009 में सेलेक्ट हो पाया। और जहां तक सीपी शर्मा की बात है, तो ये अच्छे केमिस्ट्री टीचर हैं। पहले मुझे केमिस्ट्री जो है बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, उसमें पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन जैसे ही मैंने सीपी शर्मा क्लासेस ज्वाइन किया, तो वो सबसे अच्छा मेरा सब्जेक्ट हो गया और मुझे इसमें सबसे अच्छे मार्क मिले, जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट हो पाया। और जस्ट 174 नंबर थे ही, इस वजह से अगर उसमें कम होता तो जो है मैं ना हो पाता। इस तरह से मैं सीपी शर्मा का सदैव ही आभारी रहूंगा। मेरा एक प्रश्न आपसे कि अगर कोई सीपी शर्मा सर की जो क्लास होती है उसको अगर सिर्फ मन से अटेंड कर ले तो क्या उसका सिलेक्शन पूरी तरह से पास कर रहे
क्योंकि वो जितना पढ़ा देते हैं क्लास में बस अगर उसी को पूरी तरह से तैयार कर ले तो उसे जो है घर पे बहुत ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी तरह से उसको पढ़ा देते हैं। क्लासरूम के अंदर माहौल कैसा होता है सीपी शर्मा सर के यहाँ? बहुत अच्छा माहौल होता है, ऐसा लगता है जो है केमिस्ट्री कुछ एकदम बिल्कुल सिंपल है, सब सब्जेक्ट फिजिक्स से कोई नहीं, मतलब सबसे सिंपल सब्जेक्ट केमिस्ट्री ही है जब पढ़ाते हैं सर। तो मेरा नाम इंदु सिंह है और मैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और मैंने सीपीएमटी के थ्रू उसमें एडमिशन लिया है और सीपी शर्मा सर बहुत अच्छे टीचर हैं और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा पढ़ाते ही हैं, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यूपीटीयू 2009 के अंदर जागृति केसरवानी ने पूरा अलाहाबाद टॉप किया, फर्स्ट पोजीशन इन गर्ल्स, तो आइए बात करते हैं उनसे और टॉपर होने के नाते वो क्या कहती हैं, क्या उनको लगता है और ये सब कुछ कैसे हासिल हुआ एज ए टॉपर। जागृति बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकें, आपने गर्ल्स के अंदर टॉपर बनी, तो कैसा लगता है और ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? Obviously टॉप किया है तो बहुत खुशी हुई, जब रिजल्ट देखा तो मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब उस टाइम तो ये नहीं पता था कि गर्ल्स टॉपर हूँ, वो तो मतलब सर ने जब बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि मतलब अगर एक साल मैंने ड्रॉप किया और मेहनत की तो आई गॉट दैट रिजल्ट, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और बाकी क्रेडिट तो मतलब पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा हाथ था ही, उसके साथ सर ने भी, मतलब सर ने पर्सनली भी बहुत ध्यान रखा हमेशा, नॉट इवन केमिस्ट्री, सर हमेशा बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी पूछते रहते थे कि क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट ओनली वन सब्जेक्ट कि आप स्कोर कर लो, बाकी भी बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, तो सर ने हमेशा उस चीज़ का ख्याल रखा और सर मतलब हमेशा मतलब उसके कंसर्न में रहते थे, हमेशा टच में रहते थे, तो उससे बहुत हेल्प मिली। आप जागृति केसरवानी से मिले, उसके बाद आइए आपकी मुलाकात कराते हैं चिराग श्रीवास्तव से, इन्होंने यूपी पीईटी के अंदर अलाहाबाद को टॉप किया, आइए जानते हैं टॉपर बनने का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इसको कैसे कायम रखेंगे चिराग, आगे भी टॉपर की श्रेणी में ही अपने आप को, और टॉपर जब बने तो कैसा लगा चिराग, पहली बार जब पता चला तो क्या रिएक्शन था आपका? जब मेरी रैंक मुझे पता चली तो मुझे खुशी तो बहुत हुई कि 24 रैंक मुझे नहीं लगता, मुझे मतलब एकदम से अच्छा लगा काफ़ी, और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पढ़े हैं जो भी हम पढ़ते हैं उसमें हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए बिल्कुल, मतलब ज़्यादा इधर उधर का नहीं, मतलब जो भी पढ़े उसमें कॉन्फिडेंट रहिए और बाकी सक्सेस मिलेगी आपको। सीपी शर्मा सर को क्या कहना चाहेंगे? सीपी शर्मा सर को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की, मतलब केमिस्ट्री के अलावा और सब्जेक्ट्स में भी, और उन्होंने मतलब उनका मोटिवेशन काफ़ी था, मतलब मोटिवेशन काफ़ी करते थे वो, सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ सब्जेक्टिव सपोर्ट देने के साथ साथ मोटिवेशन लेवल बहुत काम करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन सिलेक्शन की वजह डॉक्टर सीपी शर्मा सर का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन तो है ही, साथ ही ध्यान इस बात का कि इस भीड़ में भी वे भली भांति ध्यान रख पाते हैं कि कहां किसे और क्यों विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा, और फिर उसी दिन एक्स्ट्रा टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन आयोजित कर विद्यार्थियों की हर प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं डॉक्टर सीपी शर्मा, ताकि सिलेक्शन के वक्त कोई संशय ना हो। डॉक्टर सीपी शर्मा सर सिर्फ एक नाम नहीं वरन कामयाबी का वह फलसफा है, जहां सिर्फ शिक्षक, जहां सिर्फ विद्यार्थी वरन पेरेंट्स भी अपना वह योगदान देते हैं कि उनके लाडलों के द्वारा की गई मेहनत रंग लाकर ही दम लेती है। पेरेंट्स का सेक्रीफाइस, स्टूडेंट्स का एफर्ट और डॉक्टर सीपी शर्मा सर का इनक्रेडिबल पोटेंशियल उस सफलता को जन्म दे जाता है जहां विद्यार्थी नतमस्तक हो जाता है अपनी गुरु की गुरुता के आगे। आइए सुने इन माता पिता का कहना अपने बच्चों की खुशी और डॉक्टर सीपी शर्मा सर की महत्ता को लेकर। अस्मिता शुक्ला के फादर मिस्टर शुक्ला मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे कि उनको कैसा लगा जब उनकी बेटी का सिलेक्शन हुआ। सर कैसा लगा आपको जब सबसे पहले पता चला कि आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है, तो क्या मन में सबसे पहले क्या आया? जब भी सिलेक्शन हुआ सबसे पहले बहुत खुशी हुई, जाहिर सी बात है हर माँ बाप को खुशियाँ होती हैं अगर उसके बच्चे का किसी भी जगह सिलेक्शन होता है, और हमने सीपी शर्मा जी का बड़ा नाम सुना था जिस क्षण मैंने इसका एडमिशन यहाँ कराया, और एक हफ्ता बीता उसी क्षण मैं समझ गया था कि इस साल की हमारी बच्ची को सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इतना ज़बरदस्त ये इनका इंस्टीट्यूट है, इतना मतलब इनका ये कोचिंग है,
कि हम समझते हैं कि जो बच्चा आया अगर उसने जरा सा ध्यान दिया तो उसको असफलता नहीं मिलेगी। इस कोचिंग में सीपी शर्मा इलाहाबाद में शायद ये सबसे अच्छी कोचिंग है। वो पेरेंट्स जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और अपने बच्चे को लेकर बड़े भयभीत हैं केमिस्ट्री विषय को लेकर, क्योंकि केमिस्ट्री इट्सेल्फ एक बोरिंग सब्जेक्ट है, तो ऐसे में उन पेरेंट्स को, क्योंकि आप जो कहेंगे वो पेरेंट्स मानेंगे, तो उनको क्या कहेंगे, क्या आप एक उन्हें स्पेशल नोट कहना चाहेंगे अपने बच्चों, उनके बच्चों के लिए? तो सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री कोई बोरिंग नहीं होता है। बोरिंग तभी आप कहेंगे जब आपको नहीं आता। अगर आप सीपी शर्मा जी के उसमें कोचिंग में एडमिशन ले लें तो शायद सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। इनसे अच्छा पढ़ाने वाला है नहीं कोई, क्योंकि हमने देखा अपने बच्ची के साथ, हमने पढ़ा नहीं है ना, हम जानते हैं, लेकिन इसने जैसे पढ़ा हमारी बेटी ने और जैसा इसने हमको बताया, तो मैं एकदम आश्वस्त था कि अब मैंने कहा हमारा जितना काम तो मैंने कर दिया, बाकी अब ये बच्ची करना और मतलब ये शर्मा जी का इंस्टीट्यूट करेगा। You want to say something? सर के स्टूडेंट्स कभी नहीं बोलते कि केमिस्ट्री इज बोरिंग सब्जेक्ट, ऐसा आपको सिर्फ दूसरे लोग बोलते हुए सुनेंगे, तो इसलिए इट नो वन एवर सेज दैट केमिस्ट्री इज अ बोरिंग सब्जेक्ट इफ द पर्सन हैज स्टडीड फ्रॉम सीपी शर्मा सर। इस वक्त हमारे साथ श्रुति शुक्ला जी की मदर श्रीमती आभा शुक्ला मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं और पता करते हैं कि माँ होने के नाते उनको कितनी खुशी हुई जब उनकी बेटी का सिलेक्शन हुआ और कितनी आश्वस्त थी वो कि आपकी उनकी बेटी सुरक्षित हाथों में है, बेटी का कैरियर सुरक्षित हाथों में है। बताइए मैडम ये सब कुछ। चूँकि इसका इस साल 12th था और हाई स्कूल में भी इसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, अपने कॉलेज में इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तो मैं तो 100% आश्वस्त थी कि इसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा। और आपको बताते हुए मुझे ये बड़ी खुशी हो रही कि इसका IIT में भी हुआ था, AIEEE में भी हुआ और UPTU में भी इसकी बहुत अच्छी रैंक थी, लेकिन चूँकि IPG प्रोग्राम है ये ग्वालियर का, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिलनी है, इसलिए मैंने इसका एडमिशन वहाँ कराया। और सबसे बड़ी बात 12th के साथ हुआ, 12th के साथ हुआ, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की, तो वो तो बहुत अच्छा क्षण था मेरे जीवन का। आपने जितना भी सेक्रीफाइस किया, जितना भी आपको कष्ट हुआ होगा, इनके सब सुबह उठ के उठाना, जल्दी जगाना, कोचिंग पर भेजना, नाश्ता तैयार करना, कई चीजें माँ के ऊपर बड़ी लाइबिलिटीज होती है, तो इन सब का आपको, ये तो हमारा कर्तव्य है, मैं इसको ये नहीं कह सकती कि हमें कष्ट हुआ, पर हमें करना है। पर वो सफल हो गई, मैं सफल हो गई और ये बहुत अच्छी। उन माताओं को, उन मदर्स को क्या कहना चाहेंगी जो अपनी बेटी को लेकर बड़ी चिंतित है केमिस्ट्री विषय को लेकर उनके कैरियर को? कभी, पहली बात तो ये कि बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं है, हमने अगर फर्क खत्म कर दिया तो कोई फर्क नहीं है। और दूसरी चीज, कोई विषय कठिन नहीं होता, हर विषय कठिन भी है, हर विषय सरल भी है, और पढ़ने के ऊपर है, पढ़ाने के ऊपर है। क्या कहना चाहेंगी सीपी शर्मा जी के बारे में? शर्मा जी तो इलाहाबाद में बहुत प्रसिद्ध हैं और बच्चे इनको मतलब एक तरह से चुनाव करते हैं। मेरी बेटी ने भी कई जगह ट्रायल क्लासेस ली थी, उसके बाद उसका चुनाव था कि मैं शर्मा जी से केमिस्ट्री पढ़ूंगी। डॉक्टर सीपी शर्मा सर जिनका कहना कि अगर तुम्हें स्वर्ग देखना है तो तुम्हें मरना होगा, विद्यार्थियों में वह आग, वह जुनून, वह जोश भर देता है कि विद्यार्थी अपनी सफलता के लिए, अपने करियर के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए स्वतः ही कर्म से, मन से तैयार हो जाता है। समय समय पर डॉक्टर सीपी शर्मा विद्यार्थियों के सम्मान में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आयोजित करते हैं। इलाहाबाद शहर के जाने माने प्रतिष्ठित प्रशासनिक, सामाजिक और बुद्धिजीवी वर्ग इस अवार्ड सेरेमनी में शिरकत करते हैं और उनके हाथों सम्मानित होकर विद्यार्थी उस ऊर्जा को अनुभव करते हैं कि उनके द्वारा हासिल सिलेक्शन आगे आने वाले दिनों के लिए एक खूबसूरत यादगार, अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन जाता है और आगे की राह निश्चित ही उनकी और सुगम हो जाती है। आइए देखें सम्मान की वह श्रृंखला जहां हर विद्यार्थी गौरवान्वित होता है, जहां हर विद्यार्थी कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है, जहां हर विद्यार्थी कृतज्ञता जाहिर करता है अपने गुरु के प्रति। सो डियर स्टूडेंट्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हर विद्यार्थी कामयाबी के सपने तो देखता है पर सपने क्या होते हैं ये भूल जाता है। जी हां, क्या होते हैं सपने, कभी सोचा है? नहीं, सपने वह नहीं होते जो हमें सोने के बाद आते हैं, सपने तो वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो तैयार हो जाएं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ईश्वर आपको मौका दे रहा है और बुद्धिमान लोग हमेशा इस मौके का फायदा उठाते हैं। एडमिशन्स ओपन, सीपी शर्मा क्लासेस
for chemistry by Dr. C.P. Sharma, the path of victory for 11th plus IIT JEE, AI Triple E, AI PMT, PMT, PET and 12th plus IIT JEE, AI Triple E, AI PMT, PMT and PET, 172 Tagore Town, Allahabad, contact 0532-2466-970, 0941-5351-042, 0991907375.